What's up guys? Welcome to our YouTube channel and a new video. तो भाई आज का वीडियो होने वाला है करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हमने बात करी और बात नहीं करी कुछ टाइम पहले, पर कुछ टाइम पहले एक ट्वीट आया था ऋषि सुनाक का, जिसके ऊपर रशियन प्रेसिडेंट ने बोला था कि मत भूलो जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो वो उसने इंडिया के बारे में क्या कहा था। तो अभी ऋषि सुनाक ने कुछ टाइम पहले विंस्टन चर्चिल की बड़ी तारीफ करी है, क्योंकि कैसे उन्होंने पूरे देश को नाजीज के जो रूल है उससे बचाया था दुनिया को, और कैसे उसने छुटकारा दिलाया था, तो उस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पर क्योंकि विंस्टन चर्चिल की तारीफ करी ऋषि सुनक ने अपने ट्वीट में, और उसको ही रीट्वीट करते हुए पुतिन का जवाब आया है इंडिया के लिए, ऋषि सुनक के लिए इनफैक्ट, कि मत भूलो कि विंस्टन चर्चिल ने ये भी बोला था इंडिया के बारे में कि इंडियन पीपल आर रास्कल्स एंड पीपल बीस्ट पीपल विद बीस्टली रिलीजन। तो ये एक्चुअली एक टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने बोला था इंडिया के बारे में, तो इनफैक्ट इंडिया के बारे में और कुछ बोला था जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या विंस्टन चर्चिल की तारीफ कर रहे हैं ऋषि सुनक, जो कि खुद इंडियन ओरिजिन के हैं, क्या उनका बोलना, क्यों बोला उन्होंने, कैसे बोला, तो इस वीडियो में, और क्यों उनका बोलना जायज़ है, मुझे लगता है विंस्टन चर्चिल की तारीफ करना उनके लिए जायज़ है, हम नहीं करेंगे पर उनके लिए जायज़ है, इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो वेलकम बैक पीपल, आई होप सभी लोग चंगे हो गए, अपने आप मौज मार रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आप सभी का लाइफ में। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं जो कि लाजिया जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं जो कि लाजिया प्लान कर रहे थे, या फिर कभी जिनका प्लान है कभी ट्रैवल करने का। तो भाई आज का टॉपिक हम बात करने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में, पर ऋषि सुनक के बारे में पहले उसने क्या बोला और फिर उसके बाद पुतिन ने उसका क्या जवाब दिया, उससे पहले हम जाते हैं ऋषि सुनक की हिस्ट्री में। तो भाई ऋषि सुनक के बारे में अगर आप थोड़ा सा पीछे पता कर लो, तो ऋषि सुनक कभी एक्चुअली एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट ही नहीं किए गए, ना वो उन्होंने कभी एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा, कभी नहीं लड़ा। ही वॉज एक्चुअली इलेक्टेड क्योंकि जो इनकी दो पार्टियाँ थी यूके में, कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी, जिनके बीच में टक्कर थी वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2019 में, और 2019 के टाइम पे बोरिस जॉनसन वहाँ का प्रेसिडेंट बना जो कि था कंजर्वेटिव पार्टी से। ऋषि सुनक उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन की पार्टी में, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी थी, और बोरिस जॉनसन वॉज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूके दैट टाइम। उसके बाद क्यों बोरिस जॉनसन को क्यों हटाना पड़ा, वो आई होप सभी को मालूम होगा, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बोरिस जॉनसन बहुत ही क्या कहते हैं कमज़ोर प्रेसिडेंट धीरे धीरे साबित हुए ड्यू टू लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज जो बार बार हुई, जैसे कि अगर आप सर्च करोगे पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था जो कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। पार्टी गेट स्कैंडल में क्या था कि बोरिस जॉनसन ने खूब पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करी, इनफैक्ट पार्टी में इंजॉय भी किया उस टाइम पे जब लॉकडाउन था और पूरी दुनिया अंदर थी और सबको बताया जा रहा था कि अंदर रहो बाहर किसी से मिलना नहीं, सोशल गैदरिंग होनी नहीं है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ यूके बोरिस जॉनसन वॉज पार्टिंग विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरिस जॉनसन थे, सारे कंजर्वेटिव पार्टी के मिनिस्टर थे इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक भाई भी उस टाइम पे पार्टी गेट स्कैंडल का पार्ट थे, और पार्टी गेट स्कैंडल में उस टाइम पे, अब आप सोचो उस टाइम पे पुलिस ने, यूके की पुलिस इतनी फ्री है, फ्री मतलब कि इतना उनके पास फ्रीडम टू टेक एक्शन है, कि उन्होंने रूलिंग पार्टी के बोरिस जॉनसन जो कि प्रेसिडेंट थे और फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक दोनों को फाइन भी किया था इस चीज़ के लिए कि हाउ कैन यू पार्टी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में रूलिंग पार्टी के पार्टी पे ऊपर पुलिस एक एक्शन ले और फाइन इम्पोज करे, बुरा नहीं लगता। खैर, पर कितना फ्रीडम था, और उस टाइम पे प्रेस ने भी खूब खुल के छापा इस बारे में कि हाउ कैन ही डू दैट, इसके वजह से उनकी बड़ी थू हुई, और उसकी वजह से उनका धीरे धीरे देखा गया कॉन्फिडेंस जो है लोगों का बोरिस जॉनसन के ऊपर ख़त्म होता चला गया। बोरिस जॉनसन दूसरी बार फिर से एक बार फंसे, जिसको कहते हैं हम वॉलपेपर गेट स्कैंडल। अब मुझे पता नहीं ये पेपर गेट क्यों आता है बार बार, और गेट क्यों लिखते हैं स्कैंडल में यूके में, अगर आपको पता है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्यों उस जो भी स्कैंडल वहाँ होता है स्पेशली
गवर्नमेंट से रिलेटेड उस पर गेट क्यों आता है, पेपर गेट स्कैंडल और अब पार्टी गेट स्कैंडल सॉरी और फिर वॉलपेपर गेट स्कैंडल। वॉलपेपर गेट स्कैंडल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि हमें यूके प्रेसिडेंट हाउस को रिनोवेट करना है, दो लाख पाउंड में खर्चा आया और एक्चुअली जो अलाउड फंड था वो 30,000 पाउंड, पर इन्होंने 2 लाख पाउंड खर्च करे, उसके ऊपर भी एक बड़ा बवाल हुआ। आप सर्च कर लेना डिटेल में तो आपको पता जाएगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए जब ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन बढ़ती गई तो उन्होंने भाई साहब ने रिज़ाइन करा बोरिस जॉनसन ने, और बोरिस जॉनसन ने जब रिज़ाइन किया तो दूसरी जो मैडम बनी वो बनी लिस्ट्रस, मुझे पता नहीं हाउ डू यू प्रोनाउंस हर नेम, पर लिस्ट्रस बनी दूसरी प्रेसिडेंट। वो भी क्यों, क्योंकि उस पार्टी में जो सेकेंड मोस्ट दावेदार थी आफ्टर भाई साहब बोरिस जॉनसन वॉज लिस्ट्रस, और उनको बनाया गया। फिर उनके ऊपर भी लोगों ने कॉन्फिडेंस जाहिर किया कि हम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वो संभाल नहीं पाए। यूके की इकोनॉमी क्यों वीक थी तो आप इसको बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हो। ब्रेक्सिट की वजह से, जब ब्रेक्सिट से यूके बाहर हुआ और उनका ये डिसीजन उन्होंने लिया कि हम ब्रेक्सिट का पार्ट नहीं रहेंगे, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई, लगातार कमज़ोर होती चली गई, और उसके वजह से यूके में हर चीज़ का प्राइस लगातार बढ़ता गया, गैस प्राइजेज, इवन जो कन्फेक्शनरीज, जो सब्जियां, सब के दाम बढ़ गए, और उसके वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आ गया है उनके बबल नहीं आया बट उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे की, डॉलर पाउंड की जो वैल्यू है बहुत घट कम होती चली गई, क्योंकि चीज़ों की वैल्यू बढ़ती चली गई, तो क्योंकि चीज़ों की वैल्यू बढ़ती चली गई तो पाउंड की वैल्यू कम होती चली गई, और उसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, और उसकी वजह से फिर उसका लिस्ट उसका भी मांगा गया कि भैया तुम भी अपना वो दो, क्या कहते हो, और आगे बढ़ो। और एक उसमें बड़ा एक अच्छा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी उसने इकोनॉमिक्स लगाई थी, जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स का, कि इसके वजह पेपर ट्रिक इकोनॉमिक्स, आई थिंक ट्रिकल डाउन इकोनॉमी या पेपर ट्रिक इकोनॉमी, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि एग्जैक्टली वर्ड क्या है, जिसमें क्या होता है गरीबों का पैसा धीरे 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 आपको अमीरों का पैसा धीरे धीरे करके गरीबों तक पहुँच जाएगा। ये लगाया था लिस्ट्रस ने अपना कंसेप्ट कि हम इस तरीके से गरीब अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट देंगे और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि काम नहीं हुआ, और 45 दिन के अंदर लिस्ट्रस को देना पड़ गया इस्तीफा। लिस्ट्रस के पास बाद कोई बंदा नहीं था, और जो अपोनेंट पार्टी थी लेबर पार्टी, वो चाहती थी कि भैया आप लोग दोबारा इलेक्शन कराओ, और हमारी जो रूलिंग पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, वो नहीं चाहती थी इलेक्शन कराओ, वरना क्योंकि इस बार इतने मुश्किल से तो कंजर्वेटिव पार्टी बनी थी, रूलिंग में आई थी, और उसके बाद अगर दोबारा इलेक्शन होते तो बोरिस जॉनसन की बदनामी और इतने ज़्यादा स्कैंडल्स के बाद ऑब्वियसली दोबारा इन पार्टी का आना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा नॉमिनेशंस करो, और नॉमिनेशंस में 100 के ऊपर नॉमिनेशंस जो मिले वो मिले भाई साहब ऋषि सुनाक को। अब ऋषि सुनाक को पहली बार ऋषि सुनक को बनाया गया एक प्रेसिडेंट ऑफ यूके, और जो तो यस तो यूके का जो प्रेसिडेंट हमारे बने ऋषि सुनक भाई साहब, और ऋषि सुनक भाई साहब जो है वो पहला प्रेसिडेंट थे जिनका कलर जो है वो था सांवला, और इसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कलर, पहली हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कलर, मतलब कि पहले प्रेसिडेंट जिसके पास कोई कलर है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप बाहर जाओगे विदेशों में तो वो कहते हैं कि हमारा जो कलर है वी आर कलरलेस, वाइट कलर को कलर नहीं माना जाता, वो दे कंसीडर देमसेल्फ कलरलेस, और इस बात से वो लोग अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको डार्क स्किन पसंद है वो हमेशा ये बोलते हैं कि यू हैव अ ब्यूटीफुल कलर, यू एटलीस्ट यू हैव अ कलर, वी डोंट हैव अ कलर। तो ये मैंने देखा। और यूके के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन, वो इस वजह से ही बदनाम थे, बहुत ज़्यादा शराब पार्टियाँ होती थी उनके दौर में, और सारे मिनिस्टर दारू पीते थे, और इवन कुछ जो एमपीज थे ऑफ द पार्टी उस पार्टी के, उन्होंने इवन लोगों को वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट और मोलिस्ट करने की कोशिश करी, जिनको बाद में इस्तीफा दिया गया। उनका नाम था कुछ क्रिश करके, वो भी एमपी में थे, एमपी थे बोरिस जॉनसन की पार्टी में, और उसका ऋषि सुनक बन गए। कमिंग बैक टू ऋषि सुनक, तो ऋषि सुनक ने भाई साहब पहले प्रेसिडेंट बने विद कलर। और उसके अलावा बात यह कि ऋषि सुनक से लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं थे, क्योंकि पहली बात तो दूसरी देश के हैं, ही कम फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, और बहुत सारे जो वहाँ के लोकल हैं दे डजंट लाइक इंडियन ओरिजिन पीपल बिकॉज ऑफ
ऑब्वियसली यू नो वाई, बट एट द सेम टाइम ही वॉज द ओनली कैंडिडेट इन द एंटायर पार्टी जिसके पास थोड़ा जिस पे पार्टी के लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ही गॉट 100 नॉमिनेशंस, उसके अलावा किसी को 100 नॉमिनेशंस नहीं मिले थे. तो ऋषि सुनाक बने और ऋषि सुनाक वॉज द रिच. एक बात ये भी देखा जाए कि ऋषि सुनाक पे उंगलियाँ इसलिए भी उठी थी उस टाइम पे क्योंकि ऋषि सुनाक वॉज द richest MP of the party, member of the parliament, richest MP of the parliament थे वो. उनके पास ऑलरेडी वो इतना अमीर है और फिर उन्होंने IT बिलियनर नारायण मूर्ति की लड़की से शादी करी इन्फोसिस की इन्फोसिस के फाउंडर की बेटी के साथ. तो ये है ऋषि सुनाक की कहानी. अब बहुत सारे लोग कमिंग बैक टू आवर टॉपिक की हुआ क्या कहानी रिसेंटली, तो भाई साहब पुतिन ने बोला ऋषि सुनाक से कि मत भूलो कि क्या जिस इंसान की तुम तारीफ कर रहे हो विंस्टन चर्चिल की, उसने क्या किया था इंडिया के साथ. अब वापस जाएं तो देखा जाए तो ऋषि सुनाक देखा जाए तो है नहीं इंडिया के. उनका ओरिजिन हो सकता है, उनका कल्चर इंडिया के हो सकता है, पर वो इंडिया के है नहीं. और जहां आदमी रहता है वो उसी देश का ऑब्वियसली उसी देश का सपोर्ट करेगा और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से. और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कंट्री. अब अगर ऋषि सुनाक कहते हैं कि देखो विंस्टन चर्चिल ने पूरी दुनिया को नाजीज़ के जो रूल है उससे बचाया, तो ये बात गलत है क्योंकि विंस्टन चर्चिल कभी भी नहीं चाहते थे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कि यूके जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे. जब तक यूके के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई, जब तक लंदन पर हिटलर ने बम नहीं पटका था, जब तक विंस्टन चर्चिल आराम से बैठ के मज़े ले रहे थे, जब वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर सारे कंट्रीज़ को लगातार क्या कहते हैं लगातार एक्वायर कर रहा था फ्रॉम चेक रिपब्लिक, पोलैंड, सबको लगातार उसने ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रैटेजी के थ्रू जल्दी 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 इन्वेड करता गया. तब तक बड़े आराम से बैठे थे विंस्टन चर्चिल, जब तक उन पर नहीं बीती. और जब उन पर बीती उन्हें लगा कि भैया आप तो ये लोगों को मार रहे हैं और लंदन में बहुत सारे लोगों को एक्चुअली जो मासूम लोग हैं वो मर गए, तब उन्होंने फुल वॉर जो है वो डिक्लेयर करी जर्मनी के ऊपर. तो ऐसा नहीं कि उसने दुनिया को बचाया, उसने अपने आप को बचाया. वो समझ गए थे कि अब नेक्स्ट टारगेट वो है, वो यूके है, क्योंकि हिटलर वॉज ऑलमोस्ट बिकमिंग अनस्टॉपेबल. ठीक है. और दूसरी बात, हिटलर तो एक तो अनस्टॉपेबल हो गए और दूसरी बात ये भी है, इसलिए ऋषि सुनाक तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो तो वहाँ के देश के नेता हैं, तो उनको एक्चुअली कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, अपने देश को महान बताने के लिए एज ए से ऑलवेज यूके में जब आप जाओगे ना, कभी आप अब्रॉड ट्रैवल करोगे तो ये लोग ब्रिटेन नहीं बोलते, वो कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि नाम में ही ग्रेट लगा दो. अगर कुछ आप स्मार्ट नहीं भी हो ना तो आप अपना नाम ही स्मार्ट रख लो. ये इज ऑलमोस्ट लाइक दिस. मुझे याद है कि टमाटोज का प्यूरी का वो कुछ ऐड था जिसमें वो कहते थे कि टमाटो कैचअप में टमाटो ही नहीं है, बट टमाटो सिर्फ वर्ड रखा गया है नाम के लिए, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसमें टमाटो होगा, वो सिर्फ नाम है टमाटो कैचअप. इसका मतलब ये नहीं कि टमाटो का ही कैचअप होगा. तो ये ऑलमोस्ट लाइक ये हो गया कि भाई हमने तो अपना नाम ही ग्रेट ब्रिटेन कर दिया, तो हम ऑलरेडी ग्रेट हो गए, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं. तो बाहर आप जाओगे तो आप हमेशा ये सुनोगे कि ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन नहीं बोलते यूरोप में, और स्पेशली लंदन वाले लोग. और लंदन वाले लोग शराब बहुत पीते हैं, मैंने इतने लोगों को देखा जो लंदन में आते हैं, लंदन से आते हैं लैटविया बहुत ज़्यादा पार्टी करने हैं, बहुत लोगों से मिला हूँ मैं, और इतना ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं वो, दबा के शराब पीते हैं, हद से ज़्यादा शराब और नशेड़ी, और हर अय्याशी के काम उनको करना है. तो और अगर जब तुम ज़्यादा नशा शराब पियोगे और ज़्यादा नशे अय्याशी के काम करोगे, ऑब्वियसली बात है तुम्हारी इकनॉमी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी इकनॉमी कमज़ोर हो जाएगी. तो वो तो हो ही रहा है फिलहाल. तो कमिंग बैक टू दिस ऋषि सुनाक भाई साहब, इसलिए ऋषि सुनाक ने लोगों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कि हमारा ग्रेटर ब्रिटेन कितना तेज अच्छा है, और महानता दिखाने के लिए उन्होंने बड़े से विंस्टन चर्चिल के बारे में बोला गया है. पर पुतिन ने उसको बैकफायर करते हुए बोला कि मत भूलो कि इंडिया के बारे में उसने बोला था विंस्टन चर्चिल ने कि पीपल विद बीस्टली रिलीजन और ऑल्सो रास्कल्स. इसके अलावा भी विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि जब बंगाल फेमाइंस हुए थे हमारे और लाखों लोग भूखमरी से मर रहे थे उस टाइम पे भी, जब इंडिया में ये राज कर रहे थे और हमारे यहाँ से अनाज पाइल अप करके यूके भेजा जा रहा था, अनाज इंडिया से ब्रिटेन भेजा जा रहा था, और ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों को ज़रूरत थी अनाज की, सिर्फ
पाइल अप, और ये एक्स्ट्रा जो पाइल अप करते हैं कि बाद में जो एक्स्ट्रा हमारे पास रहेगा कभी जरूरत पड़ेगी, रिजर्व के लिए अनाज भेजा गया था, जबकि बंगाल में लोग भूखमरी से मर रहे थे तो वहाँ लोगों को नहीं दिया गया, और वहाँ जाके पाइल अप करते रहे ये लोग, सिर्फ स्टोर करते रहे अनाज ब्रिटेन में, ब्रिटेन के लोगों के लिए, और यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे थे उस टाइम पे जब बंगाल फेमाइंस हुआ था और लोग मर गए। और उस दौरान जब यहाँ से मुझे याद नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन ने शायद लेटर लिखा था मिस्टर चर्चिल को उस टाइम पे, अगर आप जानते हो उसको तो करेक्ट ज़रूर करना मुझे को, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक लेटर लिखा था विंस्टन चर्चिल को कि यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं और हमें कुछ करना चाहिए, हमें ये जो हम स्टोर कर रहे हैं ब्रिटेन में अनाज, इसको रोक कर यहाँ के लोगों को अनाज देना चाहिए वरना लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने बोला था वाई डिड गांधी नॉट डाइड येट, अगर लोग यहाँ के मर रहे हैं तो गांधी क्यों नहीं मरा अब तक, उसको मारो। तो उस टाइम पे ये लेटर था, और ये जो लेटर है वो यूके के ही म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है बकायदा, कि जो उन्होंने बोला था, और ये जो कहानियाँ ये सारी ऑन रिकॉर्ड हैं और ये सबके प्रूफ्स भी हैं कि भाई साहब ने क्या बोला था क्या नहीं। तो ये थे भाई साहब हमारे विंस्टन चर्चिल कितने महान थे, वो अब हम अपने आप ही कंक्लूड कर सकते हैं, और ये क्या कर रहे थे उस टाइम पे इससे आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कितने महान थे। प्रेसिडेंट पुतिन ने ऋषि सुनाक को थोड़ा सा काउंटर तो मेरे हिसाब से सही किया, बट एट द सेम टाइम ऋषि सुनाक क्यों इस टाइम पे ये सोचेंगे कि इंडिया के साथ उसने क्या किया, वो ये सोचेंगे कि मुझे अपनी देशभक्ति टूवर्ड्स माय यूके पीपल दिखानी है, तो उनका कहना एक अच्छा पॉलिटिकल गिमिक है लोगों को देने के लिए, तो गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के नागरिक हैं, और जो इंडिया के साथ किया वो तो ऑब्वियसली गलत था विंस्टन चर्चिल का, और पुतिन को तो खैर जवाब देना था तो पुतिन ने दिया। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ पता चला हो, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो, और आपका पुतिन के इस रिमार्क पर आपका क्या सोचना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Sitting lonely in my room again, trying to find